हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ गोप्रो का हीरो 8 जो है उसका मीडिया मॉड। और ये आज ही मुझे डिलीवर हुआ है, तो हम इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि ये दिखने में कैसा है और इसमें क्या क्या आता है इनबॉक्स। तो जैसा आप देख सकते हो, ये पूरा प्रॉपरली सील्ड है। सो लेट मी ओपन दिस फर्स्ट। ओके, यहाँ से खुल सकता है। ये मुझे पड़ा है अप्रॉक्सीमेटली 6,500 के आसपास का, जिसमें 5,000 तो इसकी कॉस्ट है और अराउंड 1,000 समथिंग उसका ये है अपना जीएसटी वगैरह है। सो समवेयर अराउंड 6,500 के आसपास मुझे पड़ा है ओवरऑल कॉस्ट इसका। तो देखते हैं क्या क्या निकलता है इसके बॉक्स में से। इसकी एमआरपी जो इस बॉक्स के ऊपर लिखी है वो 6,900 है, बट मुझे अमेजोन से ये मिला है 6,500 के आसपास। एंड द प्राइसेस आर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। और यहां पर ऐसे तो लिखा है सेल प्राइस 5,860, बट मुझे ये 6,500 के आसपास कुछ पड़ा है विद जीएसटी एंड ऑल। तो अमेजोन से ये मैंने ऑर्डर किया था, एंड आई डोंट नो कि इधर ऐसा क्यों लिखा है SP 5,860। दैट मीन्स आई टू मी ये ऐसा लगता है सेल प्राइस 5,860 है, बट समवेयर मे बी अमेजोन से मंगाया है इसलिए मुझे 6,500 का पड़ा। और अगर मैं शायद इस शॉप से डायरेक्टली बाय करता तो ये मुझे 5,860 का पड़ता जो इधर प्रिंटेड प्राइस है। सो लेट अस सी। बात तो मुझे उनसे करनी चाहिए, एक्चुअली शॉप का नंबर मेरे पास है, कम्युनिकेट करके देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने बॉक्स को की सील काट दी है और अभी मैं इसे खोलता हूं। ये ऊपर कुछ गाइड्स निकली है जो बाद में पढ़ के देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है, कैसे यूज करना है। साथ में एक ये माउंट आया है, एक ये माउंट है, एक्चुअली माउंट नहीं है, क्लिप है जो लगाने के काम आता है, अपना कैमरा लगाने के लिए काम आएगा। और दूसरा ये उसके साथ एक स्क्रू है जो इसको ऐसे फिक्स करने के लिए, कैमरा इसके ऊपर फिक्स होगा और ये पार्ट जो है वो मेरा इसमें जाएगा अपना होल्डर में लगेगा। और मीडिया माउंट कुछ ऐसा दिखता है, प्लास्टिक का, मेड ऑफ प्लास्टिक है। सो क्वालिटी तो अच्छी है प्लास्टिक की, बट हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट पता नहीं है। और ये यहाँ पर मोड का बटन है, यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो ये रिकॉर्डिंग स्टॉप रिकॉर्डिंग का है। ये माइक्स है, एक ये रेयर माइक है और एक ये फ्रंट माइक है। और इसके साथ में ये तीन पोर्ट्स है, ये HDMI केबल के लिए आपका है, USB to HDMI केबल। ये चार्जिंग पोर्ट के लिए है, टाइप सी पोर्ट। और ये आपका माइक लगाने के लिए, तो आप इस पर एक्सटर्नल माइक भी माउंट कर सकते हो, एक्सटर्नल माइक यहाँ माउंट कर सकते हो या यहाँ भी माउंट कर सकते हो। बेसिकली ये दो इसलिए दिया है कि एक यहाँ पर लाइट लगा लो और एक यहाँ पे माइक लगा लो, या आप जैसे चाहो यहाँ माइक लगा लो यहाँ लाइट लगा लो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। तो इसे खोल के देखते हैं। ओके, ये यहाँ से। ओके, तो ये जो पार्ट होता है इसे पुल करना होता है इस तरीके से, और ये ऐसे लॉक होता है। और इसे खोलने के लिए यूं पुल करके आपको इसे ऐसे करना होता है, तो ये खुल जाता है। और इसमें अपना गोप्रो लगाने से पहले आपको उसके ऊपर जो लिड आती है, गोप्रो की जो लिड आती है, ये लिड निकालनी होती है। ये लिड निकालने के बाद ही आप इसमें लगा सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहां से मेरी लिड निकाल दिया है और इसको आपको ऐसे पुश करना होता है। इसको ऐसे स्लाइड करके हल्का सा पुश देना होता है ताकि जो इधर कनेक्टर है वो USB Type-C कनेक्टर जो इसमें है वो आपके कैमरा के USB कनेक्टर में लग जाए। और ये इस तरीके से लॉक होके कुछ ऐसा दिखता है आपका GoPro Hero 8 इंस्टॉल होने के बाद में। टू मी इट्स अ गुड मॉड, वर्थ इट है, क्योंकि दो माइक्स आते हैं सो आपको अलग से आपका माइक कैरी करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज जो मुझे इसकी ये अच्छी लगी है कि आप यहां पर चार्ज भी साइमल्टेनियसली चार्ज करके चार्जिंग भी चालू रख सकते हो और रिकॉर्डिंग भी, क्योंकि यहाँ माइक के लिए पोर्ट अलग है और चार्जिंग के लिए पोर्ट अलग है। या तो आप ये मॉड लेकर के यूज कर सकते हो, या फिर आप जो अडेप्टर आता है ये वाला, इसके थ्रू रिकॉर्डिंग कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बट इसके लिए कुछ आपको अलग से एक्सेसरीज भी खरीदनी पड़ती है, जैसे ये आपको हमेशा कैरी करना होगा। अगर आपने ये लगा दिया और आप यहां से अगर ये इसके क्लिप ऑन्स निकाल लो तो आप सीधा ऐसा माउंट कर सकते हो अपने इस पे, और काफी लाइट वेट लगता है क्योंकि ये प्लास्टिक बॉडी है, तो जो वेट है ज्यादा है नहीं। इसके लिए आपको अलग से कैरी भी करना पड़ेगा, प्लस आपको ये कैमरे से अलग लगता है, तो इसके लिए आपको अलग से एक होल्डर लेना पड़ेगा आपके जो ब्रैकेट रहेगा उसके लिए।
जिसमें आप अपना कैमरा लगाओगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये कंफर्ट तो देगा ही देगा, बट ये इसके जो फीचर्स हैं वो थोड़े से अच्छे मुझे जो फीचर्स लगते हैं वो ये है कि इसमें माइक भी है और इसमें यूएसबी पोर्ट चार्जिंग के लिए अलग है और माइक के लिए अलग है, तो मल्टी आप साइमल्टेनियसली यूज भी कर सकते हो और चार्ज भी कर सकते हो। सो दिस इज वॉट इज आई लाइक अबाउट दिस। इन एडिशन टू दैट बाकी मॉड्स मुझे इतने वर्थ इट नहीं लगे टू बी फ्रैंक विद यू, तो मे बी बेस्ड ऑन योर यूजेज यू कैन डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू बाय दिस और नॉट एंड वेदर यू वॉन्ट टू गो फॉर एनी अदर मॉड। अगर आपको मेरा ये थोड़ा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज लाते रहता हूँ, तो डेफिनेटली इट विल गिव यू माई परस्पेक्टिव अबाउट द प्रोडक्ट एज वेल एज आप जब मार्केट में जाओगे तो आपको पता होगा कि बॉक्स के अंदर क्या कंटेंट आता है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।